आज दोपहर 2 बजे विधानसभा में महाविकास अघाड़ी सरकार का दूसरा बजट पेश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीषा तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। महाराष्ट्र के विधानमंडल में आज दोनों सदनों में पेश किया जाएगा महाराष्ट्र का वार्षिक बजट साल 2021 से साल 2022 तक का। महाराष्ट्र के विधानसभा में आज अजीत पवार पेश करेंगे वार्षिक बजट साल 2021 से साल 2022 का। तो वहीं महाराष्ट्र के विधान परिषद में महाराष्ट्र के वित्त राज्य मंत्री शंभू रामदेसाई पेश करेंगे महाराष्ट्र का वार्षिक बजट। आपको बता दूं कि पिछले साल कुल जो रकम थी 9,500 लाख करोड़ की घाटे की कमी बताई गई थी। जो घाटा हुआ था वो उसका जो रकम है, जो रुपया है, वो 9,500 करोड़ थी। तो वहीं इस बार अजीत पवार ने ये कहा है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की कमी हो सकती है। आपको बता दूं कि इस बार जो फोकस है वो गरीब किसान वहीं महिलाओं पर पूरा फोकस दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वित्त मंत्री के सामने इस बार साल 2021 में कोरोना जैसे महामारी संकट, तो वहीं कर्ज भुगतान करना, इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजस्व घाटों की कमी से लेकर बहुत सारी चुनौतियों को, जो चुनौतियां हैं उसका सामना करना पड़ रहा है। फिर तब तक के लिए ऐसे ही देश दुनिया के ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।